ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसे कि सभी बच्चों को पता है, हम नाइन्थ क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसी में हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है, जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, ठीक है। तो नंबर सिस्टम संख्या पद्धति को पढ़ने के लिए जो भी जरूरी कंसेप्ट यूज होते हैं, उनको हम धीरे धीरे कवर कर रहे हैं। तो उसी क्रम में आज हम करेंगे, एक तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन करेंगे, भिन्नों का प्रकार, और दूसरा कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। तो उस चीज को करने से पहले हम थोड़ा सा कर लेते हैं रिवीजन कि हमने लास्ट क्लास में क्या किया था। उससे पहले बेटा ये चीजें आपको ध्यान रखना है कि आपका एक तो माइक और कैमरा दोनों बंद होने चाहिए, ठीक है। माइक और कैमरा दोनों बंद होने चाहिए जब तक कि आपको ओपन करने के लिए नहीं बोला जाता है। उसके बाद आपका कोई भी सवाल होता है या कोई भी डाउट अगर होता है तो वो आपको करना है इन कॉल मैसेज में, आपको पूछ लेना इन कॉल मैसेज में आप पूछ लेंगे। कैसे जाएंगे, तीन बिंदु पर क्लिक करना है, पहला ही ऑप्शन आपका होता है इन कॉल मैसेज का। उसके बाद आपको आपसे बोला जाता है कि पोल सेक्शन में उत्तर कीजिए। तो पोल सेक्शन में उत्तर करने के लिए एक्टिविटी पर आप क्लिक करेंगे, और जैसी एक्टिविटी पर क्लिक करते हैं तो आपके पास पोल आ जाता है, और पोल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्वेश्चन नंबर आएगा, और क्वेश्चन नंबर के बाद आपके पास ऑप्शन आ जाता है। तो जो भी ऑप्शन सही होगा उस पर टिक कर देना है और वोट कर देना, ठीक है। तो इस तरीके से आपके आंसर हमारे पास आ जाएंगे। चलिए अभी हम कर लेते हैं रिवाइज जो कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ठीक है। भिन्न की बात करें बेटा, भिन्न को ध्यान से समझेंगे। मैंने बोला था कि भिन्न क्या होते हैं, पूर्ण, पूर्ण का कुछ भाग होता है, पूर्ण का कुछ भाग क्या कहलाता है, भिन्न कहलाता है, भिन्न कहलाता है, ठीक है। पूर्ण का कुछ भाग क्या कहलाता है, भिन्न कहलाता है। जैसे मैंने कहा कि ये रोटी है मेरे पास, और इस रोटी के दो भाग मैंने कर दिए, ठीक है। इस रोटी के मैंने दो भाग किए, और एक भाग मैंने ये ले लिया यहाँ पर, ये रहा एक। तो ये जो भाग मैंने लिया है, बेटा माइक बंद रखेंगे, किसी बच्चे का माइक ऑन हो गया, माइक को बंद रखना, माइक बंद रखना बेटा। अगर माइक बंद नहीं होता है तो मैं क्लास से रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। अगर माइक बंद नहीं होता है तो क्लास से रिमूव करना पड़ेगा। माइक बंद है, यू नो, चल चलिए सब बस बेटा, माइक बंद रखेंगे जिस भी बच्चे का माइक हो। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर मैंने क्या बोला कि ये पूरी रोटी है आपके पास, पूर्ण रोटी है। इस पूर्ण रोटी का ये वाला जो भाग है, ये कुछ भाग है, आधा भाग है, इसी भाग को हम क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं, ठीक है। इसी भाग को हम बोलते हैं भिन्न। अभी ये चीज आप समझेंगे कि ये भिन्न होता है, तो एक बटे दो भिन्न है, तीन बटे चार भिन्न है, पांच बटे नौ भिन्न है, ठीक है। ये सभी क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, इन सबको भिन्न बोलते हैं। तो भिन्न क्या नहीं होते हैं, जो पूर्ण संख्या होती है उसको भिन्न नहीं बोलते। जैसे चार बटे चार एक आ गया, छह बटे दो कितना आ गया, तीन आ गया। तो ये सभी भिन्न नहीं है, ये सब भिन्न नहीं है। तो जो पूर्ण संख्या होती है वो भिन्न नहीं होता है। ये चीज अगर समझ में आई है सभी बच्चे के तो वाइट आइट करें। अगर यहां तक सबको समझ में आया है तो सभी बच्चे वाइट आइट करें। वेरी गुड, चलिए तो आगे आ जाते हैं अभी। तो आगे हमने पढ़ा था भिन्नों के प्रकार, हमने पढ़ा था भिन्नों के प्रकार, भिन्नों के प्रकार, ठीक है, भिन्नों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो हमने देखा था भिन्न के जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं, तीन प्रकार होते हैं। नंबर एक मैंने बताया था आपको उचित, ठीक है, उचित भिन्न। नंबर दो मैंने आपको बताया था अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न, ठीक है। और नंबर तीन मैंने आपको बताया था, ये नंबर दो, और नंबर तीन मैंने आपको बताया है मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न। तो धीरे जल्दी जल्दी से इनको समझ लेते। उचित भिन्न क्या होता है, उचित भिन्न की बात करते हैं तो मैंने आपको लिखवाया है कि अंश हर से कम होता है, हर से क्या होगा, कम होगा, हर से कम होता है। अगर कम होता है तो यहाँ पर जो हमारे पास भिन्न आने वाले हैं वो इस टाइप के भिन्न आएंगे। अंश है ना, उसमें हर से हमेशा कम रहेगा, अंश हमेशा कम रहेगा। बेटा फिर से माइक ऑन हो गया किसी का, माइक बंद रखेंगे, माइक बंद रखना है बेटा आपको क्लास में।
चलिए बेटा, माइक बंद रखना है, किसी का माइक ओपन नहीं होना चाहिए। अगर डाउट है तो बेटा डाउट पूछ ले, अगर यहाँ तक किसी को डाउट है तो डाउट पूछ लेंगे, अगर डाउट नहीं है तो हम आगे चलें। तो यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा, मैंने क्या बोला कि अगर अंश हर से कम होता है तो उसको उचित भिन्न बोलते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल थे उचित भिन्न के, ठीक है। अभी अनुचित भिन्न की बात करेंगे। अनुचित भिन्न क्या होगा? अनुचित भिन्न में होता है कि अंश अंश हर से ज्यादा होता है। हर से क्या होता है? ज्यादा होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। अगर ज्यादा होता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल आएंगे कि 5/2 है ना, 7/4, ये आएगा 11/6। तो ये सारे के सारे जो भिन्न है ये अनुचित भिन्न है। ये सभी कैसे भिन्न है? अनुचित भिन्न है। और उसके बाद तीसरा मैंने आपको बोला था मिश्र भिन्न में कि ये दो वस्तु से मिलकर बनता है। एक तो होगा पूर्ण संख्या, ठीक है, एक होती है पूर्ण संख्या, और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है उचित भिन्न, दूसरा होता है उचित भिन्न, ठीक है। तो इन दो नंबर से मिलकर ये बनता है। जैसे मैंने कहा पूर्ण संख्या मैंने ले ली 4 और उचित भिन्न मैंने ले लिया 3/5, ठीक है। तो ये वाला जो भिन्न आया है, इस वाले भिन्न को हम बोलते हैं मिश्र भिन्न। तो ये था बेटा भिन्न के प्रकार, 3 प्रकार के होते हैं, मैंने तीनों प्रकार आपको बता दिए हैं। उचित भिन्न क्या होगा? जिसमें अंश कम होगा। अनुचित भिन्न क्या होगा? जिसमें अंश ज्यादा होगा। मिश्र भिन्न क्या होगा? जिसमें दो नंबर होंगे, एक तो पूर्ण संख्या होगी और दूसरा क्या होगा? उचित भिन्न होगा। अगर यहां तक बेटा किसी को भी डाउट है तो डाउट पूछ लेंगे। अगर समझ में आ गया है सभी बच्चों के, सभी बच्चों के समझ में आया है तो सभी बच्चे क्या करेंगे? वाई टाइप करेंगे। बेटा अंश क्या होता है? अंश मैंने बोला आपको कि अगर आपके पास कोई भी भिन्न लिखा हुआ है, कोई भी भिन्न लिखा हुआ है, उसमें ऊपर वाले को हम अंश बोलते हैं, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को बोलते हैं हर, नीचे वाले को हर बोलते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे आ जाते हैं। अभी अभी होगा बेटा आपका रिकॉल टेस्ट, रिकॉल टेस्ट, ठीक है। तो निम्न में से कौन एक भिन्न नहीं है? बेटा जो भिन्न नहीं है वो बताना है, नोट अ फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन नहीं है, जो भिन्न नहीं, पोल सेक्शन में आंसर देना है बेटा सभी को, पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर कर। बेटा बैटरी अगर लो हो गई है तो आप क्या करेंगे, चार्जिंग पे लगा लीजिए फोन को, और जितना हो सके, पॉसिबल हो सके उतनी क्लास को अटेंड कीजिए। चलिए सभी बच्चे इसका पोल में आंसर करेंगे। बेटा जो भिन्न नहीं है वो आपको बताना है, वापस से गलती मत कीजिए आप। जो भिन्न नहीं है वो आपको बताना है, ठीक है, जो भिन्न नहीं है वो बताना है आपको। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है। पांच सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर। तो जिन भी बच्चों का आंसर नहीं आया है वो जल्दी अपना आंसर करें। जिन भी बच्चों का आंसर नहीं आया है वो जल्दी से अपना आंसर करें। 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, पोल मैंने बंद कर दिया अभी और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। वेरी गुड बेटा। बेटा सेम क्वेश्चन पूछा गया है, जो लास्ट क्लास में आपको पूछा गया था सेम क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें तो गलती नहीं होनी चाहिए थी आपकी, ठीक है। अभी भी काफी बच्चे ए ऑप्शन लगा रहे हैं। बेटा ए ऑप्शन तो भिन्न होता है ना, ये तो क्लियर दिख रहा है कि ये भिन्न है, ये भिन्न है, ये तो भिन्न होता है, ये तो भिन्न है ये, ठीक है। आपको बताना है जो भिन्न नहीं है वो बताना है,
और मैंने अभी बताया आपको कि जो नंबर पूर्ण होता है वो भिन्न नहीं होता, तो 6 दुनी 12 तो ये पूर्ण आया है, ये नहीं है भिन्न, ये नहीं है भिन्न, ठीक है, भिन्न नहीं है। कौन सा नहीं है? डी ऑप्शन आपका सही, डी ऑप्शन आपका सही हो। क्या ये चीजें समझ में आई सभी को? क्या यहां तक समझ में आया है बेटा सबको? चलिए सब बात, अभी हम आगे आ जाएंगे। तो ये चीजें बेटा ध्यान देंगे, और बच्चे अगर क्लास को आप प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आप ध्यान से सुन रहे हैं और उसके नोट्स बना रहे हैं, तो बेटा आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं। लेकिन अगर आप ऐसे कर रहे हैं कि आपने क्लास को अटेंड कर लिया है और उसके बाद आंसर कर रहे हैं, नहीं, अटेंड करने से ही नहीं होगा, आपको प्रॉपर तरीके से क्लास को अटेंड करना, सभी क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाते हैं सबका आंसर करना है, ठीक है, और सभी नोट्स बना ले। चलिए अभी हम आज के टॉपिक पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, और आज यहाँ पर हम बात करेंगे मिश्र भिन्न की, ठीक है। हमने लास्ट क्लास में भी बात करी थी कि मिश्र भिन्न होता क्या है, एक बार जल्दी से हम उसका रिवाइज कर लेते हैं। मिश्र भिन्न की बात करेंगे, तो मिश्र भिन्न मैंने आपको बोला था कि ये क्या होता है, दो वस्तु से मिलकर बनता है, दो वस्तु सर, से। आपकी आवाज कट कट के आ रही है बेटा आप एक काम करेंगे कि रीजोन कर लीजिए क्लास को, एक बार रीजोन कर लेंगे क्लास को तो मेरी आवाज क्लियर आएगी। चलिए, दो वस्तु से मिलकर क्या बनता है? मिश्र बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर परिभाषा देखेंगे, परिभाषा क्या लिखी है, पूर्ण संख्या। तो मैंने यहाँ पर पूर्ण संख्या लिख ली, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये पूर्ण संख्या है। तथा उचित भिन्न, उचित भिन्न मैंने लिख लिए 4/9, मैंने उचित भिन्न लिख लिए 1/11, मैंने उचित भिन्न लिखा 2/9, ठीक है। देखो, पूर्ण संख्या तथा उचित भिन्न से मिलकर क्या बनता है, मिश्र भिन्न बनता है। लिखा भी गया है कि इन दोनों से मिलकर क्या बनता है, मिश्र भिन्न बनता है। तो बना दीजिए, मैंने एक पूर्ण संख्या ली और एक उचित भिन्न लिया और दोनों को मिला दिया, 5 और 1/11, तो ये बन गया बेटा मिश्र भिन्न, इसी को बोलते हैं मिश्र भिन्न। क्या चीजें समझ में आई है सबको? क्या ये चीजें समझ में आई है? यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. किसी भी बच्चे का अगर छोटा सा भी डाउट है, अगर छोटा सा भी डाउट है तो पूछ लेंगे बेटा। दोबारा से बता दूं? Yes, sir. चलिए मैं फिर से बता देता हूँ, लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से क्लास को अटेंड कर रहे हैं तो सभी बच्चे अपने नोट्स भी बनाते जाएंगे ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना, ठीक है। मैं फिर से बता देता हूँ चीजें, सभी चीजें मैं फिर से बता देता हूँ कि मिश्र भिन्न क्या है, मतलब भिन्न का ही एक प्रकार है। मैंने 3 भिन्न आपको बताए हैं, एक होता है उचित, ये हमने समझ लिया है, दूसरा अनुचित होता है, ये भी हमने समझ लिया है, अभी हम तीसरे की बात कर रहे हैं मिश्र की। तो मिश्र क्या होता है उसको समझेंगे, मिश्र मतलब मिलाना है ना, मिक्स करना। तो किस चीज को मिक्स करेंगे? दो वस्तु को तो मिक्स करेंगे आप, कि दो वस्तु को हम मिलाकर क्या करते हैं, दो वस्तु को मिलाकर क्या बनता है, मिश्र बनता है। दो वस्तु को मिलाकर क्या बनता है, मिश्र बनता है। तो वहां पर दो वस्तु कौन सी है वो समझना है आपको। दो वस्तु में पहली जो वस्तु है वो तो है पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या आपको पता है, पूर्ण संख्या तो ये होती है कि 4 लिख दिया मैंने, 5 लिख दिया, 6, 8, 9, ये सारी की सारी पूर्ण संख्या है, ठीक है। पूर्ण संख्या क्या होती है, कंप्लीट, जिसको हम गिनते हैं, ठीक है, वो पूर्ण संख्या। अब यहाँ पर दूसरी वस्तु क्या है, दूसरा वस्तु है उचित भिन्न, और उचित भिन्न के बारे में मैंने क्या बताया था कि अंश है ना छोटा होना चाहिए, अंश छोटा होना चाहिए, बस इतना याद रखना है कि अगर अंश छोटा होगा हर से तो वो उचित भिन्न होता है। तो ये तो हो गया बेटा उचित भिन्न, ठीक है, ये सारे के सारे उचित भिन्न आ गए। अब क्या बोला गया, अब ये बोला गया कि इन दोनों को अगर आप मिला देंगे तो वही होता है मिश्र भिन्न, इनको अगर आप मिला देंगे दोनों को तो उसको बोलेंगे मिश्र भिन्न। तो दोनों को मिला दीजिए, एक यहां से मैंने उठाया पूर्ण संख्या और यहां से मैंने उठा लिया उचित भिन्न, और दोनों को मिला दिया, 9 4/9, तो ये जो नंबर मेरे पास बना है इसी को बोलते हैं मिश्र भिन्न, यही होता है मिश्र भिन्न। बताइए अभी सभी को समझ में आ गया? Yes, sir. ये वाला तो यहाँ पर क्या है, पूर्ण संख्या है, sir. और ये वाला है उचित भिन्न। चलिए
अभी एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं जल्दी जल्दी, फिर और ज्यादा समझ में आएगा। यहां पर देखो मैंने एग्जाम्पल लिखा 4 2/3, 4 से ही 2/3। तो यहां पर देखो ये तो पूर्ण संख्या है, ये पूर्ण संख्या है और ये है उचित भिन्न। तो जब पूर्ण और उचित मिल जाते हैं क्या बनाते हैं? मिश्र बनाते हैं, मिश्र भिन्न बनाते हैं। तो ये क्या होगा? मिश्र भिन्न होगा। तो ये नंबर क्या है? मिश्र भिन्न है। उसी तरीके से बेटा यहां पर देखेंगे 1 और 1/2, तो एक तो है बेटा पूर्ण, एक है पूर्ण और ये वाला है उचित, और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? ये दोनों मिलकर बनाते हैं मिश्र, ये दोनों मिलकर बनाते हैं मिश्र भिन्न। क्या चीजें समझ में आई सबको? यस सर। चलिए, ये चीज अगर समझ में आई है तो बेटा यहां पर मैंने लिख भी दिया है कि 4 से ही 2/3 में 4 तो पूर्ण संख्या है और 2/3 है उचित भिन्न, और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो हमारे पास बन जाता है मिश्र भिन्न। तो ये बन गया मिश्र, ये मिश्र भिन्न, जब दोनों एक साथ आ जाते हैं, पूर्ण संख्या और उचित भिन्न अगर एक साथ आ जाते हैं तो इसको बोलते हैं मिश्र भिन्न। उसी तरीके से यहां पर देखेंगे, यहां पर देखेंगे कि जो एक है वो तो पूर्ण संख्या है और ये वाला जो नंबर है 1/2, ये है बेटा उचित भिन्न। दोनों मिल जाते हैं तो मिलकर बनाते हैं मिश्र भिन्न, मिलकर बना देते हैं ये मिश्र भिन्न। क्या चीजें समझ में आई सबको? क्या यहां तक समझ में आया है? यस चलिए, सर। ये चीजें अगर समझ में आई है तो अभी हम बात करेंगे। मैंने एग्जाम्पल लिखा है यहां पर, यहां पर मैंने एग्जाम्पल लिखा 5 1/4, क्या ये एक मिश्र भिन्न है? यस या नो? यस, यस वेरी गुड, ये एक मिश्र सर। भिन्न है। यस सर। यस मैंने यहां पर सर। लिखा अभी 5/2 लिख दिया मैंने, क्या ये मिश्र भिन्न है? नो सर। नो वेरी सर। गुड, ये मिश्र भिन्न नहीं है। नो सर। अच्छा, क्यों नहीं है ये मिश्र भिन्न? सर, ये उचित भिन्न है, नहीं बेटा, अनुचित भिन्न है। सर, अनुचित भिन्न है। वेरी गुड, ठीक है, ये कैसा भिन्न है? अनुचित भिन्न है। चलिए नो अभी बताएंगे, मैंने लिख दिया -1/2, क्या ये मिश्र भिन्न है? सर। नहीं, नो सर। वेरी गुड, ये भी अनुचित, ये भी मिश्र भिन्न नहीं है। अभी मैंने लिख दिया 1/1 से ही 1/8, क्या ये मिश्र भिन्न है? यस सर। यस यस, सर। ये एक यस मिश्र सर। भिन्न है। वेरी गुड, चलिए, तो यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई है। अभी बात करेंगे बेटा, एक बात ध्यान रखेंगे सभी बच्चे, कि जो बच्चे क्लास लेते समय एक्टिव रहते हैं ना, कि क्वेश्चंस का आंसर करते हैं जो मैं पूछ रहा हूँ, तो उनका है ना आंसर सही जाता है हर बार, सर उनका मुझे ये आंसर समझ गलत। में नहीं आया, क्या समझ में नहीं आया बेटा? पूछिए कौन सा आपने ये क्वेश्चन? जो ऊपर वाला बताया है ना, वाई और एन वाला पॉइंट, फर्स्ट और सेकंड, मुझे समझ में नहीं आया। बेटा ये तो मैंने अभी क्लियरली आपको बोला है कि अगर पूर्ण, बेटा अभी ज्वाइन किया क्या आपने क्लास? सर फोन मैंने आपको चार्जिंग लगाई थी इसलिए। हाँ, तो यहां पर ध्यान देंगे, इसी वजह से आपको समझ में नहीं आया। यहां पर ध्यान देंगे बेटा, क्या लिखा हुआ है जल्दी से यहां पर समझ लेंगे, कि पूर्ण संख्या और उचित भिन्न मिलकर क्या बनाते हैं? मिश्र बनाते हैं, सर ये मिश्र मेरे को भिन्न पता बनाते है, हैं। मैंने देखा था ये वाला, नीचे हाँ, वाला ही समझ में नहीं आया। तो यही तो यहां पर लिखा हुआ है, ये पूर्ण संख्या है 5 और ये उचित भिन्न है 1/4। तो उचित भिन्न अगर है तो ये क्या होगा? मिश्र भिन्न होगा ना, क्या होगा ये? मिश्र भिन्न होगा, यस तो इसलिए यस, 5/2 मिश्र भिन्न नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें क्या है? इसमें मेरे पास पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसलिए ये मिश्र भिन्न नहीं है। ठीक है, 1/2 भी मिश्र सर। भिन्न नहीं होता है, लेकिन 1 1/8 मिश्र भिन्न होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहां पर ये पूर्ण संख्या दी हुई संख्या आ रही है। है और ये उचित भिन्न दिया हुआ है, तो इसलिए ये मिश्र भिन्न। ठीक है, चलिए आगे चलें अभी। वेरी गुड, चलिए तो आगे सर देखते हैं। अब यहां पर ध्यान देंगे कि मैं क्या बोल रहा था आपको, मैं ये बोल रहा था कि अगर आप प्रॉपर तरीके से इसी तरीके से रिस्पॉन्स करते जाएंगे, बताते जाएंगे जो चीजें मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो आपका पोल सेक्शन में सभी आंसर है ना सही जाएंगे, कोई गलत नहीं जाएगा। बस आप प्रॉपर तरीके से क्लास को अटेंड कीजिए, ध्यान से जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको समझिए, ठीक है, और उसके बाद आप आंसर करेंगे, ठीक है। नोट्स भी आप बनाते जाइए साथ के साथ। देखो अभी क्या बोला गया है, उदाहरण क्या दिया आवाज गया है नहीं आ रही है? यस बेटा, अभी मेरी आवाज आ रही है क्लियर सभी बच्चों को, बाकी जो बच्चे क्लास में हैं? सर।
चलिए, तो आप बेटा नेटवर्क थोड़ा सा नेटवर्क में आकर बैठेंगे या फिर आप रीजोन कर लेंगे क्लास को। हाँ चलिए, तो यहाँ पर क्लियर क्या लिखा हुआ, तीन अभी थोड़ा बहुत आ रहा है मेरी, क्लियर आवाज आ रही है आपको सर? कट कट के आ रही है। तो बेटा थोड़ा ये प्रॉब्लम है कि वहां पर है ना नेटवर्क इशू आ रहा है थोड़ा, इस वजह से थोड़ी मेरी आवाज है ना आपको कट कट के आ रही है। तो अभी समझते जाइए, अभी धीरे धीरे आपका नेटवर्क भी मतलब वहां पर नेटवर्क आने लगेंगे तो क्लियर हो जाएगा। या प्लेस चेंज करिए, आप ऊपर आ जाइए या फिर दूसरे कमरे में जाकर बैठिए जहां पर प्रॉपर नेटवर्क है। सर हम छत पे बैठे हुए हैं। छत पर बैठे हैं तभी भी नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है। चलिए अभी वेट करेंगे थोड़ा, हाँ चीजों को ध्यान पूर्वक समझते जाएंगे जो भी मैं लिखवा रहा हूँ साथ के साथ, ठीक है? चलिए तो देखेंगे यहाँ पर 3, 5/8। सबसे पहले तो आप मेरे को ये बता दीजिए चैट बॉक्स में, क्या ये मिश्र भिन्न है? यस तो ये एक मिश्र भिन्न है, वेरी गुड। ये मिश्र भिन्न क्यों है, क्यों है ये मिश्र भिन्न? इसमें तीन पूर्णांक का सर, इसमें तीन पूर्ण संख्या आ रही है। यस, तीन तो पूर्ण आ रहा है, तीन पूर्णांक संख्या है, वेरी गुड। सर और सर 5/8 सर वो 5/8 उचित भिन्न भिन आ उचित गए, भिन्न है, ये उचित भिन्न आ रहा है, वेरी गुड। 5/8 सर उचित भिन्न है, सर उचित भिन्न है और तीनों पूर्ण है, इस वजह से ये मिश्र भिन्न है। वेरी गुड बेटा, ठीक है। अभी अपने सभी बच्चे म्यूट कर लेंगे, सभी बच्चे अब ध्यान से समझेंगे, सबने सही बताया बेटा। इसी तरीके से जब भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा आंसर बताने के बाद बेटा ध्यान से सुनेंगे, बेटा ध्यान से सुनेंगे किसी बच्चे का माइक ऑन है तो आप आंसर बताने के बाद अपने आप को म्यूट कर लेंगे जल्दी से, ठीक है, ताकि क्लास डिस्टर्ब ना हो, ध्यान रखेंगे इस चीज का। हाँ तो यहाँ पर देखो हम इस चीज को है ना चित्र से भी समझ सकते हैं। अब चित्र से कैसे हम समझेंगे, हमने उचित भिन्न को तो चित्र से समझा है कि 1/2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है आधी रोटी, एक में से आधी रोटी है ना, यही तो मतलब होता है 1/2 का, 1/2 का मतलब होता है आधी रोटी। तो उचित भिन्न को तो हम चित्र से समझ सकते हैं, अभी हम इसको भी चित्र से समझ सकते हैं। अब देखो कैसे समझेंगे कि हम इसे चित्र के द्वारा भी समझ सकते हैं कैसे, कि 3, 5/8 लिखा हुआ। अब यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि 1/4 है, तो 1/4 का मतलब क्या है, 1/4 का मतलब है कि उसमें कुल कितने भाग है, 4 भाग है, और 4 भाग में से मैं सिर्फ एक ही भाग को ले रहा हूँ, ठीक है बेटा, क्या ले रहा हूँ, एक ही भाग को ले रहा हूँ। और ये बच्चे ध्यान रखेंगे जिस भी बच्चे की तरफ से ये सब हो रहा है, जो बच्चे शोर मचा रहे हैं या क्लास के डिसिप्लिन को नहीं करने दे रहे हैं ठीक से, बेटा क्लास से रिमूव करूंगा मैं आपकी बात, क्लास से रिमूव करूंगा, ये बिल्कुल नहीं चलेगा क्लास। तो ध्यान रखेंगे, चाहे वो उसका छोटा भाई है या बहन है, समझाएंगे या फिर आप एकांत में जाकर क्लास को अटेंड करेंगे, अगर ऐसा होता है तो मैं क्लास से रिमूव करूंगा। चलिए यहां पर ध्यान देंगे, अभी मैंने क्या बोला आपको कि 1/4, 1/4 क्या दर्शा रहा है, इसके एक भाग को दर्शा रहा है, टोटल भाग कितने हैं, 4। तो यहां पर भी देखो 8 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है तो इसका मतलब टोटल तो 8 भाग है, टोटल कितने भाग है, 8 भाग है, और उसमें से कितने भाग लेने हैं, 5 भाग लेने हैं, और हमारे पास 3 पूर्ण भी है। अब 3 पूर्ण कैसे लेंगे हम, मैंने कहा मेरे पास 3, 4 रोटियां हैं, 4 रोटियां हैं और चारों को, बेटा माइक बंद कर लेंगे, अभी माइक बंद कर लेंगे जिस भी बच्चे का माइक ऑन है, वेरी गुड। तो 8 भागों में मैंने डिवाइड किया रोटी को, ये भी 8 भाग, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी 8। तो यहाँ ये जो 3 दर्शा रहा है ये तो पूर्ण है ना, पूर्ण का मतलब 3 पूरी रोटी, तो 3 तो पूरी रोटी हमारे पास आ गई है। अब जो चौथी रोटी है उसका मेरे को चाहिए सिर्फ 5 भाग, उसके 5 भाग चाहिए, तो 5 भाग, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 भाग है, तो 5 भाग है तो इसको मैंने लिख दिया 5/8। और अब इन दोनों को मिलाकर अगर मैं लिख देता हूं तो यही बन जाता है मिश्र। क्या ये चीजें समझ में आई सभी को? यस सर, वेरी गुड। चलिए अगर समझ में आया है तो अभी हम आ जाते हैं आगे। तो ये रहा बेटा, 3 तो हमारे पास पूर्ण थे,
और यहाँ पर ये था हमारे पास उचित भिन्न, 5/8 दोनों को अगर हमने मिला दिया तो बन गया हमारे पास मिश्र भिन्न। चलिए अभी जो चीजें हमने पढ़ ली है उसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सर दोबारा समझाना, मुझे समझ नहीं आया। बेटा क्या समझ में नहीं आया? सर दोबारा समझाना, मुझे समझ नहीं आया। बेटा मैंने यहाँ पर बोला है कि 3 एक पूर्ण संख्या है। ड्राइंग वाली? हाँ ड्राइंग वाला ही समझा रहा हूँ। 3 एक पूर्ण संख्या है तो 3 रोटी तो मेरे पास पूरी है, ठीक है। 5/8 जो चौथी रोटी है उसके मेरे को 5 हिस्से चाहिए, 8 में से कितने हिस्से चाहिए? सिर्फ 5 हिस्से चाहिए। तो इसको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? इसको करते हैं 5/8, और ये 3 रोटियां हैं मेरे पास पूरी, तो दोनों को मिला दिया, 3 रोटी और 5/8, तो ये बन गया मिश्र, ठीक है, ये बन गया बेटा मिश्र। चलिए अभी चीजें समझ में आई। चलो आगे आ जाते हैं, अभी हम आ जाते हैं आगे। तो मैं यहाँ पर आपको रिवाइज करा रहा हूँ जल्दी से कि हमने पढ़े हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, है ना, भिन्नों के प्रकार। अब भिन्नों के प्रकार में पहला नंबर होता है उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा नंबर होता है विषम भिन्न या अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और तीसरा नंबर होता है मिश्र भिन्न। एक एक करके समझते हैं। उचित भिन्न में मैंने आपको बताया, क्या बताया मैंने, कि जो अंश होता है, अंश जो होता है वो हर से कम होता है, हर से कम होता है, ठीक है, हर से कम होता है। तो इसके ये रहे एग्जांपल कि 3 5 से कम है तो ये उचित भिन्न है, 6 8 से कम है तो ये उचित भिन्न है, ठीक है। अभी दूसरे की बात कर लेते हैं, विषम भिन्न या अनुचित भिन्न की बात कर लेते हैं। तो विषम भिन्न के लिए मैंने आपको बोला कि अंश, अंश जो है वो हर से क्या होगा, ज्यादा 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 होगा, ठीक है, ज्यादा होता है। अब ज्यादा अगर है तो वो क्या होगा, अनुचित भिन्न होगा या फिर विषम भिन्न होगा। जैसे 5/3 तो 5 ज्यादा है 3 से। बेटा माइक बंद कर लेंगे, अभी माइक बंद कर लेंगे, वेरी गुड। तो यहां पर ध्यान देंगे बेटा, 11/8, 11 ज्यादा है 8 से, ठीक है। तो ये है अनुचित भिन्न है, अनुचित भिन्न है। अभी मिश्र भिन्न की बात करेंगे, तो मिश्र भिन्न में मैंने बोला कि एक तो पूर्ण होना चाहिए और दूसरा होना चाहिए उचित भिन्न, दूसरा उचित भिन्न होना चाहिए। तो यहां पर देखो, एक तो पूर्ण है मेरे पास और दूसरा है उचित भिन्न, ये है बेटा उचित भिन्न, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये मिलकर बना रहे हैं मिश्र भिन्न, ये मिलकर बना रहे हैं मिश्र भिन्न। चलिए तो आगे ध्यान देंगे, तो यहां पर भी ऐसे ही सेम है, ये पूर्ण है, ये उचित भिन्न। यहां तक समझ में आया सबको? अगर समझ में आया है तो जल्दी से बेटा ये एग्जांपल बताएंगे, जल्दी जल्दी ये एग्जांपल बताएंगे। मैंने लिखा 11/6, बताएंगे उचित अनुचित या मिश्र? अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न, वेरी गुड, सब बात अनुचित भिन्न होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर 11 ज्यादा है 6। दूसरा बताएंगे, मैंने लिखा 4/1/2, कौन सा भिन्न? मिश्र भिन्न होगा, वेरी गुड, मिश्र भिन्न होगा। क्यों होगा मिश्र भिन्न? क्योंकि एक पूर्ण संख्या दी है और दूसरा दिया है उचित भिन्न, उचित भिन्न। चलिए तीसरा नंबर बताएंगे, मैंने लिखा 11/18, बताएंगे जल्दी, उचित भिन्न, उचित भिन्न, उचित भिन्न, वेरी गुड, उचित भिन्न होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर 11 कम है 18। तो वे बच्चे भी ध्यान देंगे बेटा जो आंसर नहीं कर रहे हैं, क्लास को ध्यान से देखते रहिए और ध्यान से इसको नोट करते रहें, ठीक है। अगर आप ध्यान से सभी चीजें को नोट कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपका कोई भी क्वेश्चन है ना गलत नहीं होगा, ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें। चलिए तो अभी मैं है ना क्वेश्चन पूछने वाला हूँ आपको, क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूँ। सभी बच्चे अपनी नोटबुक में क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और उसके बाद आंसर करेंगे पोल सेक्शन। तो जो बच्चे नोटबुक में सोल्व कर लेंगे क्वेश्चन को, वो जब पोल सेक्शन बंद हो जाएगा, जब मैं पोल सेक्शन को बंद कर दूंगा तब अपना आंसर दिखाएंगे। समझ में आया? ओके सर। चलिए अगर ये समझ में आया है तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेंगे बेटा, इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लेंगे। जैसे हमने रोटी वाला किया था ना, वैसे ही आपको ये एप्पल वाला करना है, वैसे ही आपको क्या करना है, एप्पल वाला करना है कि ये चित्र को भिन्न के रूप में लिखिए। तो मैंने जो आज आपको भिन्न कराया है वो आपको बता,
मैंने आपका पोल सेक्शन, ये चैट सेक्शन बंद कर दिया है, तो चैट सेक्शन में कोई आंसर नहीं कर पाएगा। आप करेंगे पोल सेक्शन में अपना आंसर। चलिए सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छे, सभी बच्चों का आंसर हमने कर दिया, वेरी गुड। जिन बच्चों ने आंसर कर दिया मेरे सर हमने भी कर दिया बेटा, बोलना नहीं है किसी को, जिन बच्चों ने आंसर कर दिया है मेरे पास आंसर आ गए, ठीक है। लेकिन जो बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं वो जल्दी अपना आंसर करें। बेटा जोन सा भिन मैंने बताया है सिर्फ वही भिन आपको बताना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है। सर आपने जो कल होमवर्क दिया था वो भी चेक करोगे आज आप? हाँ बेटा मैं वो भी चेक करूंगा। चलिए मैं 5 सेकंड के बाद पोल बंद कर रहा हूँ, तो जो बच्चे आंसर नहीं दे रहे हैं वो जल्दी अपना आंसर दे देंगे। वेरी गुड बेटा, इसी तरीके से आंसर करते रहेंगे, एक्टिव रहेंगे क्लास में और अपने भी आंसर देते रहेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। पोल मैंने बंद कर दिया अभी, पोल मैंने बंद कर दिया, तो अभी मैंने पोल बंद कर दिया आपका और चैट सेक्शन ओपन करा है। तो जिन बच्चे ने नोटबुक में क्वेश्चन को सोल्व किया वो दिखा देंगे। सुनील देवी के नाम से जो बच्ची है, बेटा नाम क्या है आपका? आरती। आरती, वेरी गुड बेटा आरती, बहुत अच्छे। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना था, आपका बिल्कुल आंसर सही, वेरी गुड बेटा। चलिए बाकी बच्चे दिखाएंगे। सर मैं भी दिखा रही हूँ। हाँ दिखाइए बेटा, जिन बच्चों ने आंसर कर लिया है वो बच्चे आंसर दिखा। दिखाएंगे बेटा सर, मैंने दिखा दिया। फिर से दिखाएंगे बेटा, फिर से दिखाएंगे अपना आंसर, फिर से दिखाएंगे आंसर, फिर से दिखाएंगे अपना नोटबुक दिखाएंगे फिर से। चलिए बाकी बच्चे दिखाएंगे, ठीक है बेटा, वेरी गुड। चलिए बेटा 2/3 आंसर नहीं था, ठीक है, आप चेक करेंगे अपने आंसर को, 2/3 आंसर नहीं है, ठीक है। मैं अभी बताता हूँ कि कैसे आपको सोल्व, क्या आया है बेटा आपका आंसर? सर हाँ 1/2, वेरी गुड, 2 और 1/2, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। सर इसी तरीके से सही है या रॉन्ग है? बेटा सही है आपका आंसर, सही है आपका आंसर, सर हमारा आंसर सही है। हाँ बेटा अभी अपने आंसर भी मैच कर लेंगे आप, ठीक है, अपने आंसर्स भी मैच कर लेंगे। देखो क्या आंसर, ऑप्शन सी आया है, बिल्कुल सी ही ऑप्शन सही है बेटा, सी ऑप्शन सही है, हमारा भी सही है, वेरी गुड। अब देखो सी क्यों आया है, मैंने बोला आपको यहाँ पर दो तो पूरे सेब है हमारे पास, दो सेब तो पूरे हैं, आधा सेब है और ये आधा सेब है, ठीक है, तो दो तो पूरे सेब है और ये आधा, तो 2 1/2, तो आपका आंसर आया 2 1/2। सर मुझे ये समझ में नहीं आया कि नीचे 2 क्यों आया, अगर आगे 2 आया तो मैं मानती हूँ कि 2 सेबों का आया। नीचे क्यों आया? हाँ क्योंकि 1/2 आधा होगा इसलिए नीचे 2 आया। बिल्कुल, देखो रोटी से समझते हैं, ये 1 रोटी, ये 2 रोटी और ये यहाँ पर हमारे पास कितनी रोटी है, आधी रोटी लेना है इसमें, 1 में से हमें लेना है आधी, तो ये तो 2 रोटी पूरी है ना आपके पास, तो 2 तो यहाँ से आ गया, ठीक है। और इस आधी रोटी को आप कैसे लिखते हैं, इस आधी रोटी को लिखते हैं 1/2, तो तभी इन दोनों को मिला दीजिए तो 2 1/2 आ गया। चलिए सब बात, वेरी गुड बेटा, अभी माइक बंद रखेंगे सभी बच्चे और ध्यान देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बेटा आपको अपनी नोटबुक में सोल्व करना है, ठीक है, और जब मैं पोल को बंद करूंगा तब आप अपनी कॉपी को मेरे से चेक कराएं, ठीक है। चलो तो सभी बच्चे ध्यान से बेटा, जल्दीबाजी नहीं करना है बिल्कुल भी, ध्यान से क्वेश्चन को सोल्व करें, ठीक है। चलिए तो अभी ये रहा बेटा क्वेश्चन, देखो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया कि 2 1/2 क्या होता है।
अभी हमने कराई, ये तो अभी हमने किया है, और सभी बच्चों का आंसर है ना पोल सेक्शन में आना चाहिए, पोल सेक्शन में सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। सभी बच्चों का पोल में उत्तर आना चाहिए। आपको बताना है, क्या बताना है आपको, कि दो से ही एक बटे दो क्या होता है, क्या ये पूर्ण संख्या होता है, क्या ये उचित भिन्न होता है, क्या ये अनुचित भिन्न होता है, या फिर क्या ये मिश्र भिन्न होता है। इनमें से आपको आंसर बताना, ये क्या होता है। वेरी गुड बेटा, जिन बच्चों ने आंसर कर दिया है बेटा ध्यान देंगे मैं क्या बोलता हूँ आपको, जिन बच्चों आंसर कर देते हैं उनके आंसर मेरे पास आ गए, अब थोड़ा वेट करेंगे जब तक कि मैं पोल को बंद नहीं कर देता। चलिए वेरी गुड बेटा, काफी बच्चों के आंसर आ गए हैं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो भी अपना आंसर कर देंगे, जो बच्चे रह गए हैं वो भी अपना आंसर करेंगे। शाबाश बेटा, इसी तरीके से आपको एक्टिव रहना है सभी बच्चों को क्लास में, अगर आप इसी तरीके से रिस्पॉन्स करते जाएंगे तो ये गारंटी है कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से बेटा सभी बच्चे एक्टिव रहेंगे, ध्यान से जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको वो ध्यान से सुनेंगे, सभी नोट्स बनाएंगे अच्छे अच्छे और सभी क्वेश्चन का आंसर करेंगे। चलिए 5 सेकंड के बाद मैं कॉल बंद करूँ, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है बेटा। पोल मैंने अभी बंद कर दिया, पोल बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है, तो जिस बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। तो बेटा इस क्वेश्चन में तो सोल्व करने वाला कुछ भी नहीं था, आप तो देखकर ही इसका आंसर लगा सकते। हाँ दिखाइए, वेरी गुड बेटा, जिन बच्चों ने ये आंसर करा है सभी बच्चों ने मिश्र भिन्न आया है, इसका आंसर ऑप्शन डी आया है, वेरी गुड ऑप्शन डी, सर मिश्र भिन्न, शाबाश, दिखाना है हमारा भी डी मिश्र भिन्न, वेरी गुड बेटा सबका आंसर सही है। इसमें मतलब कुछ सॉल्व करने के लिए नहीं था, तो इसलिए मैं आपकी नोटबुक को नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि आप तो डायरेक्ट ही लगा सकते हैं इसको। चलिए माइक बंद कर लेंगे, अभी माइक बंद कर लेंगे बेटा, माइक बंद कर लेंगे, किसी बच्चे का माइक ऑन है माइक को बंद कर लेंगे, वेरी गुड। चलिए तो आगे आ जाते हैं, अभी आगे फिर से क्वेश्चन आ रहा है बेटा, है ना, तो उस क्वेश्चन का भी आंसर आपको कहां पर करना है, पोल सेक्शन में करना है। दो बातें याद रखेंगे, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के और तब आपको आंसर लगाना, ठीक है। चलिए तो चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया आपका, और ये रहा क्वेश्चन, ठीक है, ये रहा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन, सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन। आपको सिर्फ इतना बताना है निम्न में से एक मिश्र भिन्न कौन सा है, मिश्र भिन्न कौन सा है, सिर्फ ये बताना है, मिश्र भिन्न बताना है इनमें से कौन सा है। सभी बच्चों के आंसर, वेरी गुड बेटा, जिन बच्चों ने आंसर कर दिया है मेरे पास आंसर आ गया, हो गया, वेरी गुड, आ गए हैं मेरे पास। अभी आप म्यूट रखेंगे अपने आप को, कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है, ये भी नोटबुक में करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, आप तो इसको देखकर ही लगा सकते हैं, है ना सर। चलिए सब बात, बाकी बच्चे भी अपना आंसर कर देंगे बेटा, बाकी सभी बच्चे भी अपना आंसर करेंगे, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है बेटा, मैंने पोल अभी बंद कर दिया आपका और चैट सेक्शन ओपन कर दिया है, तो जिस बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते, वेरी गुड बेटा, 100% रिजल्ट था, जिन भी बच्चों ने मतलब उत्तर किया है सभी बच्चों का उत्तर सही, लेकिन अभी भी काफी बच्चे क्लास में ऐसे हैं जो उत्तर नहीं कर रहे, और उनकी संख्या 7 से 8 है बेटा, कम से कम मतलब 7 से 8 बच्चे अभी भी उत्तर नहीं कर रहे बेटा, बहुत गलत है ये, क्योंकि आप 1 घंटे की क्लास को अटेंड कर रहे हैं, और जहां से अगर आप 1 घंटे की क्लास को अटेंड कर रहे हैं और कुछ सीख कर नहीं जाएंगे तो मतलब सही नहीं, तो इसलिए सभी बच्चे एक्टिव रहें, क्लास को प्रॉपर तरीके से अटेंड करें ताकि आप भी अपना आंसर कर सकें, ठीक है। बेटा काफी बच्चे ऐसे हैं, 7-8 बच्चे ऐसे हैं जिन बच्चों ने उत्तर नहीं किया। चलिए आगे देखेंगे बेटा,
सी देखेंगे, यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही है। तो बच्चे ध्यान देंगे, खासतौर से जिन बच्चों के उत्तर नहीं आ रहे उन बच्चों को भी अभी आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें अपने उत्तर करना, ठीक है। चलिए अभी हम आते हैं अगले टॉपिक पर। तो अगला टॉपिक हमारा क्या है उसको समझेंगे। देखो क्वेश्चन लिखा गया है यहाँ पर, आप खुद ही इसको सोचकर समझकर तब आंसर देना चैट बॉक्स में। क्या हम भिन्नों को आपस में बदल कर लिख सकते हैं? क्या हम भिन्नों को आपस में बदल कर भी लिख सकते हैं? जैसे मैंने कहा कि आप अनुचित को क्या आप मिश्र में बदल सकते हैं? वेरी गुड, काफी बच्चों के उत्तर यस आए हैं चैट बॉक्स में, वेरी गुड बेटा। तो इसी तरीके से बेटा अभी माइक बंद रखेंगे सभी बच्चे, अभी माइक को ओपन नहीं करना है। जो भी आंसर आप अभी करेंगे वो सारे के सारे बच्चे चैट बॉक्स में। चैट चलाने नहीं आता बेटा। चैट में आपको जाने के लिए तीन बिंदु दिए हैं राइट कॉर्नर पर, उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो पहला ही ऑप्शन इन कॉल मैसेज का आता है, उस पर क्लिक कर आप कर सकते। ओके सर। चलिए अभी माइक बंद कर लेंगे सभी बच्चे, और अभी कुछ टाइम के लिए बेटा माइक ऑन नहीं करना है बिल्कुल भी। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका चल रहा है तो ध्यान से समझेंगे, और जो भी आप आंसर करेंगे अभी चैट बॉक्स में करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या बोला आपको, मैंने बोला कि आप अनुचित को क्या मिस्र में बदल सकते हैं? मुझे क्लास बंद करनी है, मुझे कोई जरूरी काम है। बेटा जा सकते हैं आप क्लास को, आपको वैसे पूरा कंप्लीट अटेंड करना है, ठीक है, लेकिन अगर जरूरी ज्यादा ही जरूरी काम है तो आप जा सकते। चलिए तो यहाँ पर मैंने क्या बोला, अनुचित को आप क्या मिस्र में बदल सकते हैं, या फिर क्या मिस्र को आप अनुचित में बदल सकते हैं? तो काफी बच्चों का उत्तर आया था कि यस हम कर सकते हैं, हम बदल सकते हैं। वेरी गुड, बिल्कुल हम बदल सकते हैं, बदल सकते हैं। तो इस चीजों को हम समझेंगे, हम बदल सकते हैं, और दोनों चीजों में हमें समझना है, दोनों को समझना है कि अनुचित को मिस्र में कैसे बदलते हैं और मिस्र को अनुचित में कैसे बदलते हैं। चलिए एक एक करके हम समझेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये पता चल गया कि हम बदल सकते हैं, कि विषम भिन्न या फिर अनुचित भिन्न को हम मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं, या फिर मिश्र भिन्न को हम विषम भिन्न या फिर अनुचित भिन्न में बदल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर लिखा भी गया है, हाँ हम विषम भिन्न या अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदल कर लिख सकते हैं, और मिश्र भिन्न या फिर विषम भिन्न, मिश्र भिन्न को विषम भिन्न या फिर अनुचित भिन्न में बदल कर लिख सकते हैं। तो दोनों तरीके से हम बदल सकते हैं। तो हम आ जाते हैं अपने पहले तरीके पर, और पहला तरीका क्या है कि हम एक विषम भिन्न को एक मिश्र भिन्न के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो जो आपके पास उचित भिन्न है, अनुचित भिन्न है, सॉरी अनुचित, ठीक है। विषम भिन्न क्या होता है कि विषम भिन्न बोलते हैं हम, या फिर अनुचित भिन्न बोलते हैं, अनुचित, अनुचित भिन्न को हम बदल सकते हैं किसमें, मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। अब इसको हम सीखेंगे कि कैसे बदल सकते हैं, कैसे बदल सकते हैं। क्या कोई मेरे को बताएगा चैट बॉक्स में कि अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न क्या होता है? अनुचित बोलते हैं या फिर विषम बोलते हैं? सर जो अंश से छोटा बड़ा होता है, अंश क्या होता है, बड़ा होता है सर, जिसका अंश जिस नंबर से वो बड़ा होता है सर, वो जिसका अंश बड़ा होता है। वेरी गुड, जिसका अंश बड़ा होता है, वेरी गुड, ठीक है। अभी माइक बंद कर लेंगे बेटा सभी। जिसका अंश क्या होता है, बड़ा होता है, वेरी गुड। अंश क्या होता है, अंश हर से बड़ा होता है, यही आपने बताया, यही होता है, बड़ा होता है, ठीक है। मतलब ये हुआ कि मैंने लिखा अगर 16/5 या 10/3, 10/3 मैंने लिखा, ठीक है, तो ये मेरे पास अनुचित भिन्न है, विषम भिन्न है। अब इसको हमें चेंज करना है, इसको चेंज करना है किसमें, मिश्र भिन्न में। बेटा दो तरीके होंगे, ठीक है। पहला तरीका आप समझ लीजिए, पहला तरीका मैंने लिखवाया आपको कि आप इसको 3 से भाग कर दीजिए। कैसे पता चलेगा कि अनुचित भिन्न है ये? बेटा अंश ज्यादा है, अंश ज्यादा है हर से,
लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर मैंने बड़े इसमें लिखा हुआ है, ये रहा, अंश हर से बड़ा होता है। क्या अंश यहाँ पर बड़ा कौन है? अंश कौन सा होता है बेटा? ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। जो नीचे होता है वो हर होता है और ऊपर वाला अंश होता है, ठीक है? समझ में आ गया? अभी बेटा समझ में आ गया है तो माइक को बंद कर लेंगे। चलिए अब यहाँ पर क्या करना है आपको, भाग करना है, और भाग करना तो हमें आता है, तो तीन से भाग करना है दस को, तो तीन किया नौ, तीन किया नौ आ गया, और एक बच गया, एक बच गया। और इस जो ये एक बचा है इसको हम बोलते हैं शेषफल। क्या बोलते हैं? शेषफल बोलते हैं। और ये जो तीन आया है इसको हम बोलते हैं भागफल, इसको बोलते हैं भागफल, ठीक है? और जहां पर ये जो तीन है इसको हम बोलते हैं क्या? भाजक। ये होता है भाजक। कर दो। क्या हुआ बेटा? सर थोड़ा समझ नहीं आया, दोबारा बता दो। बेटा भाग करा है मैंने, इसमें कुछ करा ही नहीं है। भाग आता है ना आपको, तीन से भाग करा है दस को, हाँ तो वही किया है बस, ठीक है? तो अभी भाग पर ध्यान देंगे, अभी माइक बंद कर लेंगे अपना। तो यहाँ भाजक है और इसको क्या बोलते हैं? भाज्य बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाज्य। ये चीजें मैंने आपको कराई है पहले ही, है ना? लेकिन सर कराई थी आप, मिश्र भिन्न में आपको ये चीजें याद रखनी है। बेटा माइक बंद रखेंगे अगर माइक किसी का ऑन है, ठीक है बेटा? तो अब यहाँ पर देखेंगे, अब इसको मिश्र भिन्न में बदलना है। तो मिश्र भिन्न में बदलने के लिए आपको ये याद रखना है क्या, कि अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलने के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। क्या याद रखना है? कि भागफल लिखना है पहले, भागफल। मिश्र भिन्न क्या होता है? जिसमें एक पूर्ण संख्या आती है और उचित आता है, उचित भिन्न आता है। तो ये भागफल, फिर ऊपर आता है शेषफल, और नीचे आ जाता है आपका भाजक, ठीक है? तो ये फॉर्मूला हो गया बेटा, कि हमें अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलने के लिए पहले क्या लिखना है? भागफल लिखना है। लिखिए भागफल। समझ नहीं आ रहा बेटा, अभी मैं एक और एग्जांपल कराऊंगा, वो आप ध्यान से समझेंगे, ठीक है? चलिए देखें यहाँ पर भागफल क्या लिखा हुआ है। भागफल यहाँ पर तीन है तो तीन लिख दीजिए। शेषफल क्या है यहाँ पर? शेषफल कितना आया है? एक आया है, एक लिख दीजिए। और भाजक कितना है? भाजक तीन है तो तीन लिख दीजिए। तो ये हमारे पास आ गया तीन एक बटे तीन, यही होता है बेटा मिश्र भिन्न। तो यहाँ पर हमने अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में चेंज कर दिया है, ठीक है? चलिए अभी मतलब किसी बच्चे का डाउट हो सकता है कि हमें समझ में नहीं आया, उनके लिए मैं फिर से एक एग्जांपल करा रहा हूं, अभी ध्यान से समझे। मैंने लिखा 16/7, मैंने लिखा 16/7, तो 16/7 सबसे पहले तो ये समझ लीजिए ये अनुचित भिन्न है, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है। नो सर, नो सर, यस सर, नो। क्योंकि यहाँ पर 16 बड़ा है 7 से, और अंश अगर बड़ा होता है तो वो होता है अनुचित भिन्न, ठीक है? अब इसको चेंज करना है मिश्र भिन्न में, तो मिश्र भिन्न में चेंज करने के लिए मैंने कहा आप इसको है ना भाग कर दीजिए, और भाग तो आता है ना आपको कि 7 से अगर हम भाग करेंगे 16 सर, 2 से 2/7 आ जाएगा, 2 बार, बिल्कुल 2 बार जाएगा, 2 × 7 = 14, ठीक है? 2 × 7 = 14 माइनस कर देंगे तो 2 आ गया। तो ये तो आ गया शेषफल, यहाँ पर ये तो आया शेषफल, ये आया भागफल, बस यही दो चीज आपको याद रखनी, ठीक है? अब देखो पहले आपको लिखना है यहाँ पर क्या, भागफल लिखना है, भागफल लिखना है। ऊपर लिखा जाता है शेषफल, और जो नीचे होता है ना बेटा यही होता है 7, जो यहाँ पर होगा, जो भी ये हर होगा वही यहाँ पर लिखा जाता है हर बार। तो अब देखो भागफल कितना है? 2, शेषफल कितना है? 2, और ये 7 है बेटा। तो ये हमने चेंज कर दिया, इस अनुचित भिन्न को हमने मिस फ्रैक्शन में चेंज कर दिया है। क्या अभी समझ में आया सबको? सर, यस सर, यस यस सर। अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो डाउट पूछ लेंगे। हैंड रेज किया है किसी बच्चे? हाँ बेटा पूछिए। सर मेरा डाउट है। बोलेंगे बेटा क्या डाउट है?
सर मेरा डाउट ये है कि अगर बाय चांस हमारे सवाल कुछ अलग पॉइंट से आते तो हम कैसे अलग कौन करेंगे से सॉल्व मतलब अलग, हाँ अलग पॉइंट सर? बताइए। अगर हमारे सवाल में दिया जाता है कि हमें इसकी जगह अनुचित बिंदु की जगह मिश्र बिंदु दी जाती है तो हमें उसको सॉरी अगर हमें उचित बिंदु दी जाती है और उसे मिश्र बिंदु में नहीं बदलना हो बदलेंगे, तो हम कैसे सॉल्व नहीं करेंगे बदलेंगे, इसे? उचित भिन्न वाला नहीं आएगा आपके पास, ठीक है? क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया है, क्या पहले ही आपको बताया है कि आप अनुचित भिन्न को बदलेंगे, ठीक है? देखो, विषम भिन्न या अनुचित भिन्न को आप मिश्र भिन्न में बदलेंगे। अगर वो बदला जाता तो मैं लिखता यहाँ पर उचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना, वो नहीं बदला जाता, ठीक है? क्या बदला जाता है? अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदल दो, तो अनुचित भिन्न ही आएगा आपके पास, उचित नहीं आएगा, ठीक है? चलिए एक और सर एग्जाम्पल बताएंगे। और बेटा इस क्वेश्चन को है ना आप अपने नोटबुक में लिखेंगे, सोल्व करेंगे और मैं आपकी नोटबुक को चेक करूंगा अभी, ठीक है? तो ये है एग्जाम्पल, ये है बेटा एग्जाम्पल, मैंने लिखा 201/11, 201/11। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये एक अनुचित भिन्न है, ठीक है? कैसा भिन्न है? अनुचित भिन्न है, और जिसको आपको चेक उचित करना है किसमें? मिस्र में बदलना है, मिस्र में बदलना है। चलिए सभी बच्चे अपनी नोटबुक में सोल्व करेंगे और चेक कराएंगे। बेटा माइक बंद रखेंगे अभी, प्लीज माइक बंद रखेंगे बेटा। वेरी गुड, सभी बच्चे ध्यान देंगे बेटा। अगर किसी का माइक ऑन हो जाता है ना तो क्लास है ना पूरी सर। डिस्टर्ब हो जाती है। 18 सही 2/11। 18 सही 2/11 आंसर आया बेटा। चेक करेंगे अपना आंसर, वापस से चेक करेंगे। नोटबुक मेरे को दिखाना है आपको जहां पर आपने सोल्व करा। चलिए जिस भी बच्चे का हो गया है वो नोटबुक चेक करा सकते। वेरी गुड, वाल्मीकि मेरा हो गया। जाओ। एक मिनट बेटा, आपका नाम क्या है बेटा? ये जो बच्चा है, नहीं बेटा गलत किया है आपने। आरुषि, बिल्कुल बहुत बढ़िया कोशिश करी है आपने, लेकिन आपका उत्तर गलत आया, ठीक है? कोई बात नहीं, आपका उत्तर गलत आया है, लेकिन अभी आप समझेंगे कि आपका उत्तर कहाँ गलत हुआ, ठीक है? बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छी कोशिश करी है क्वेश्चन को सोल्व करने। बाकी बच्चे दिखाएंगे बेटा, जिन बच्चों ने उत्तर कर लिया है सभी बच्चे अपना उत्तर दिखाएंगे। चलिए जैसे आरुषि ने अभी अपना उत्तर दिखाया था ना सोल्व करके, वैसे ही सभी बच्चों को अपना उत्तर दिखाना है। वेरी गुड, चलिए कशिश के नाम से, क्या नाम है बेटा आपका? कशिश कशिश नाम है, चलिए दिखाएंगे अपना उत्तर दिखाएंगे। देखा वेरी गुड बेटा, चलिए देखते हैं अभी आपका आंसर, देखते हैं कि आपका आंसर सही है या नहीं। आपने कोशिश बहुत अच्छी मैंने करी, दिखा दिया। वेरी गुड। चलिए तो अभी एक काम करेंगे, सभी बच्चे अपना आंसर है ना मैच करेंगे, सभी आंसर अपना मैच करेंगे बेटा, ठीक है? माइक बंद कर लेंगे अभी, ओके माइक बंद सर। कर लेंगे सभी बच्चे, सभी बच्चे माइक बंद कर लेंगे और अपना आंसर चेक करेंगे कि आपका आंसर सही आया है या नहीं आया। लेकिन कोशिश सबने अच्छी की है, इसी तरीके से बेटा डिवाइड करके आपको देखना, ठीक है? तो एक दो बच्चे का उत्तर सही भी है, लेकिन एक दो बच्चे का उत्तर गलत भी आया है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कर कर नहीं देखेंगे तो उत्तर कैसे आएगा, ठीक है? तो यहाँ पर क्या करना है आपको, भाग करना है, भाग करना है, तो भाग कर दीजिए पहले। तो 11 एकम 11 लेना पड़ेगा, ये दो नंबर लेने पड़ेंगे, क्योंकि दो को तो नहीं ले सकते, दो तो छोटा है 11 से, तो हमें 20 लेना पड़ेगा। 20 मैंने लिया तो 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 दूनी 22 नहीं कर सकते, 22 बड़ा हो जाता है, हमें या तो छोटा लेना है या बराबर लेना है, तो 11 एकम 11। अभी इसको जब हम माइनस करेंगे तो 0 में से तो एक नहीं जाएगा, और 0 में से अगर एक नहीं जाएगा तो इससे एक उधार लेना पड़ेगा, तो ये 10 हो जाएगा, और यहाँ पर एक बचेगा, तो 10 में से एक गया तो 9, और एक में से एक गया तो 0, ठीक है? अब हम उतार लेते हैं 1 को, मैंने उतार लिया 1। अभी आपको 11 का पहाड़ा पढ़ना है, और 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 11 का पहाड़ा आपको ऐसे पढ़ना है कि या तो 91 आ जाए
या फिर उससे छोटा है, बड़ा नहीं आना चाहिए। तो 11 अट्ठे होता है 88, वेरी गुड, 11 अट्ठे होता है 88। अभी फिर से देखिए यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ गई कि एक तो छोटा है 8 से तो माइनस तो नहीं कर सकते, हमें इससे एक उधार लेना पड़ेगा। 9 से हमने एक उधार ले लिया तो ये हो गया 11, और यहाँ पर बचा 5। बेटा क्या समझ में नहीं आया आपको, क्या समझ में नहीं आया आपको? मुझे भी समझ में नहीं आया बेटा, डिवाइड कर रहा हूँ मैं तो, भाग कर रहा हूँ, भाग आते हैं सर, हमें समझ में आ गया, भाग कर रहा हूँ बेटा, दोनों बच्चे ध्यान देंगे जिन बच्चों ने डाउट पूछा है अभी। बेटा भाग आते हैं आपको, भाग कर रहा हूँ मैं, 11 से मैं भाग कर रहा हूँ 201 को। बेटा माइक बंद रखेंगे अभी, माइक बंद रखेंगे जिस बच्चे का माइक ऑन है। मैं इसमें कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं भाग कर रहा हूँ बस, सिंपल भाग कर रहा हूँ। भाग मैंने आपको सिखाया है कि 2 से तो नहीं जाएगा, 2 छोटा नंबर है तो मेरे को 2 संख्या लेनी पड़ेगी, ये 20 आया मेरे पास, तो 11 का पहाड़ा लिख लेना है पहले, तो 11 कम 11, ठीक है, 11 दूनी 22, तो मेरे को क्या लेना, या तो 20 आना चाहिए या फिर 20 से छोटा आना चाहिए, 20 से छोटा आना चाहिए, तो 20 से छोटा क्या होगा, 11 आ रहा है, तो 11 कम 11 लिखा मैंने यहाँ पर, क्या प्रॉब्लम है इसमें, यहाँ तक क्या प्रॉब्लम है? अभी इसको माइनस करना है, 20 में से 11 को माइनस करेंगे तो 9 आएगा, ठीक है, 20 में से 11 को माइनस करते हैं, घटाते हैं तो 9 आता है। अब 9 तो नहीं जाएगा, 9 तो छोटा है ना, तो इसके लिए मेरे को ये संख्या उतारनी पड़ेगी, उतार दिया मैंने यहाँ पर। अभी फिर से 11 का पहाड़ा पढ़ना है, और 11 का पहाड़ा आपको ऐसा पढ़ना है कि या तो आपके पास 11 आ जाए या फिर आज से कम आए। बेटा माइक बंद रखेंगे, जिस भी बच्चे का माइक हो ना, माइक को बंद रखेंगे अभी। चलिए तो 11 अट्ठे 88 होगा, 11 अट्ठे 88, क्योंकि 9 नहीं कर सकते, वो 99 हो जाएगा, बड़ी संख्या नहीं लेते हम, या तो छोटी लेते हैं या बराबर लेते हैं, तो 88 आया। अब 1 में से ये तो माइनस नहीं कर सकते ना, या आप सीधा सीधा बोलिए कि 91 से 88 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ से हमने एक हासिल लिया, एक हासिल लेते हैं तो ये 11 होता है, यहाँ पर 8 बचता है, और 11 में से 8 जाएगा तो 3 बचेगा, 8 में से 8 जाएगा तो 0, या दूसरा क्या करेंगे कि 91 से 88 को माइनस करेंगे तो 3 आता है, तो ये आ गया शेषफल, ये आया शेषफल, ठीक है, और ये आया बेटा आपका भागफल, ये आया भागफल। अब आपको लिख देना है, मैंने क्या बोला था कि यहाँ पर भागफल लिखेंगे, भागफल लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे शेषफल, और नीचे तो बेटा वही आ जाता है नंबर जो यहाँ पर दिया होता है, 11 दिया है तो 11 ही आ जाएगा। तो देखो भागफल कितना आया है, 18, भागफल आया 18, शेषफल आया 3, ठीक है, और ये 11 ऐसे शेषफल 3, तो ये बेटा हमारे पास आंसर है। क्या अभी समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। अगर कोई भी डाउट है, कुछ yes, भी अगर समझ में नहीं आया है तो बेटा फिर से बता yes, sir. मैं फिर से आपको समझा, समझ में आ गया है सर, समझ सर। अगर समझ में आया है सभी बच्चों को तो ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। बेटा माइक बंद करेंगे, माइक बंद करेंगे बेटा जल्दी, मैं ये होमवर्क दे रहा हूँ आपको जल्दी, मतलब ये होमवर्क सर क्लास खत्म होने वाली है। हाँ बिल्कुल, क्लास खत्म होने वाली है तो इसलिए आप होमवर्क नोट कर लेंगे। बेटा मैंने लिखा 101 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है, तो इसको आपको बदलना है, किसमें बदलना है, मिश्र भिन्न में बदलना है, ठीक है, मिश्र भिन्न में बदलना है। चलिए सभी बच्चे ये वाला होमवर्क नोट कर लेंगे, मिश्र भिन्न में बदलना है सबको। तीन क्वेश्चन दिए बेटा मैंने आपको, ये तीनों क्वेश्चन आप कर लेंगे अपनी नोटबुक में, और मैं जो भी लास्ट क्लास, जो भी अगली क्लास होगी आपकी उसमें मैं चेक करूंगा। ओके सर, चलिए सब बात, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे कि जिस तरीके से आज आप एक्टिव थे ना क्लास में, उसी तरीके से आपको एक्टिव रहना, और एक बात को और आपको याद रखना है कि अभी आप स्कूल जाने लगे हैं, स्कूल जाने लगे हैं अभी, यस सर, अगर स्कूल जाने लगे हैं तो आपके जो फ्रेंड्स हैं जो क्लास को अटेंड नहीं कर रहे हैं, उनसे भी आपको बोलना है कि आप क्लास को अटेंड करो, लाइव क्लास को आप अटेंड करें। ओके सर।